Hello students, welcome to the current affair class, and in this class we will be dealing with a very important water conflict. So Mahadayi nadi ka conflict hai, jo dispute hai, uske bare mein discuss karenge. And recently jo tribunals ka approach jo change ho gaya hai with respect to the tackling of the water river water disputes, usme kya kya changes aaye uske bare mein baat karenge. Now sabse pehle hame understand karna hai, what is this Mahadayi river about? Ye Mahadayi river kahan se shuru hota hai aur kahan tak jata hai, aur kin states ka ye conflict abhi develop ho gaya hai? See, when it comes to Mahadayi river, it basically originates from western ghats. To western ghats se iska origin hota hai. To western ghat total iska length dekhe Mahadayi river ka, it is 111 kilometers. 111 kilometer ka nadi hai ye. To iska zyadatar jo hissa hai wo Goa mein padta hai, and Goa ko jo pani milta hai pure shahar ko, Goa ko 8-9 nadiyan hai jahan se pani milta hai. But jitni bhi aur nadiyan hai Mahadayi ko chhod ke, wo sara salty water hai, to consumption ke liye wo pani sahi nahi hai. And ye sirf ek Mahadayi river hai jiska jo availability of water hai jo fresh water rehta hai. Isiliye Goa ko ye lifeline hai Goa ke liye, ye jo Mahadayi river hai. But kyunki iska origin Karnataka se hota hai, aur Karnataka mein ek bahut bada problem hai. Karnataka ke jo southern districts hai, agar aap Dharwad ka district dekho aur uske south wale 3-4 aur districts ko dekho, to wahan pe un districts mein farmers ko basically अपनी फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए पानी का अवेलेबिलिटी चाहिए. तो वो बेसिकली क्या चाहते हैं? नो, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द कर्नाटका फार्मर्स? कर्नाटका के फार्मर्स का ये डिमांड है कि ये जो Mahadayi रिवर है जो वहाँ से आती है, वहाँ पे डैम लगा दिए जाएं, एंड वहाँ पे रिजर्वॉयर्स लगा दिए जाएँ, वहाँ से कैनाल्स निकाल दी जाएँ, ताकि फार्मर्स को इसका बेनिफिट हो जाए, जो भी कर्नाटका का धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट और आसपास का डिस्ट्रिक्ट है. बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, आज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, 1980 से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है गोवा के साथ. एंड इस नदी का छोटा सा हिस्सा महाराष्ट्र से भी बहता है, तो महाराष्ट्र का भी डिमांड है कि कुछ ना कुछ पानी उसको भी इस नदी से मिलना चाहिए. सी, देखिए, जो पानी के मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए हमारे संविधान में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 262. आर्टिकल नंबर 262 के अंडर हमने एक लॉ बनाया हुआ है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इंटर स्टेट्स वाटर डिस्प्यूट एक्ट. इस एक्ट के अंडर क्या करता है पार्लियामेंट, ठीक है ना, इट एक्चुअली क्रिएट्स ट्रिब्यूनल्स. तो ये ट्रिब्यूनल्स क्रिएट करता है, और ट्रिब्यूनल्स क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि पानी को किस तरह से अपोर्शन करना है. तो अपोर्शनेशन ऑफ वाटर इज डिसाइडेड बेसिकली बाय द ट्रिब्यूनल्स. देखिए, ये जो Mahadayi रिवर है, इसको मंडवी बोलते हैं गोवा में, इसके लिए ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया 2010 में. अभी इसका वर्डिक्ट आया 2018 में. तो जो ये वर्डिक्ट आया, इसमें बहुत एक नई चीज़ सामने निकल के आई है. देखिए, जो पुराने हमारे पास ट्रिब्यूनल्स रहे हैं, जैसे रावी ब्यास का ट्रिब्यूनल रहा है, कावेरी का ट्रिब्यूनल रहा है, अभी महानदी का सेटअप करने जा रहे हैं हम, इन सारे ट्रिब्यूनल्स का जो जजमेंट रहा है, उसमें सिर्फ वाटर को ऊपर वाली लेयर तक देखा गया है. देखिए, पानी ऐसा नहीं है कि पानी सिर्फ सरफेस के ऊपर ही है, पानी हमारे पास सरफेस के नीचे भी पानी है. तो अभी जो वर्डिक्ट्स आ रहे हैं पानी में, उनमें ट्रिब्यूनल्स क्या कर रहे हैं, दे टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एलिमेंट ऑफ इक्वालिटी. अभी वो पानी का पूरा पूरा शेयर, सरफेस शेयर को नहीं देख रहे हैं, हालांकि ग्राउंड शेयर को भी देखना अभी उन्होंने शुरू कर दिया है. एंड ग्राउंड शेयर को देख के वो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी वो वाटर को डिवाइड कर रहे हैं. दिस सेम प्रिंसिपल है वॉज ऑल्सो फॉलोड विद रिस्पेक्ट टू कावेरी. कावेरी को भी यही फॉलो किया, एंड इसी की वजह से जो बेंगलौर का रीजन है, बेंगलौर के रीजन को पानी कावेरी से देने का, इसीलिए ट्रिब्यूनल ने वर्डिक्ट पास किया ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. तो नया तरह का प्रिंसिपल अब हमारे सामने आ गया है. देखिए, पानी का, हम पानी को कभी भी होलिस्टिकली ट्रीट नहीं करते हैं. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो, हमारे पास इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पानी को डील करती हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास सरफेस वाटर के लिए सेंटर वाटर कमीशन, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर ऊपर के पानी को डील करता है, डैम्स में कितना पानी है, नदियों में कितना पानी है. बट व्हेन इट कम्स टू द अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर के लिए एक अलग से हमारे पास बॉडी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड. एंड एक कमीशन बैठाया था गवर्नमेंट ने, मिहिर शाह कमीशन. अभी मिहिर शाह कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है कि जिस तरह से हम पानी को डील कर रहे हैं पार्शियल वे में,
दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच, क्योंकि उससे हमारा प्लानिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है. तो पानी को एज अ होलिस्टिक यूनिट हमें ट्रीट करना पड़ेगा. हमें सरफेस वाटर को भी देखना पड़ेगा और हमें ग्राउंड वाटर को भी देखना पड़ेगा, तभी हम इसको अच्छी तरह से अपोर्शनेट कर पाएंगे. सो दिस इज़ द न्यू डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू वाटर. महादेई के कॉन्फ्लिक्ट में ये हमें सामने आया है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है इसमें से, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 8459400000. एंड इसका जो PDF रहेगा इस लेक्चर का, दैट विल बी अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट. लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं उसका, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं. क्लिक करके यू विल रीच टू द PDF. वहाँ से आप उसको टेक्स्ट को पूरा पढ़ सकते हैं इस डिस्प्यूट के बारे में. नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के पेपर के लिए. चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर द डे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर बहुत कीजिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि क्वालिटी लेक्चर्स जो वीडियो क्लासेस हैं सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन के लिए, वो बहुत कम हैं जिनसे आपका सिलेक्शन हो पाएगा. एंड इस चैनल को देख के बहुत सारी सिलेक्शंस हुई हैं, खास करके रैंक ऑल इंडिया रैंक 3. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.